वेरी गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल, वेलकम बैक। कॉन्ट्रैक्टेड की हम लोग सीरीज कर रहे हैं और हमने 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंसिडरेशन पे है, राइट। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि मैंने ऑफर एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन सेपरेटली मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए इस पर, राइट। कंसिडरेशन के आज हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, प्रीव्यू ऑफ कॉन्टैक्ट जो एक्टिविटी ऑफ कॉन्टैक्ट उसका नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट उसमें अपलोड करेंगे, उसके बाद हम लोग बेरेट की लैंग्वेज पे आएंगे क्योंकि ये कंसेप्ट जो है आपके लिए ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन प्रीव्यू ऑफ कॉन्टैक्ट ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अगर हमें बेस नहीं क्लियर तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग हम लोग ज्यादातर नहीं हम लोग समझ सकते किसी चीज को। इसलिए ऑफर एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन दीज थ्री टॉपिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे लीगली और हमारे जो कॉम्पिटिशन जो है हमारे में नॉर्मल पूछे जाते हैं। आज हम लोग कंसिडरेशन कवर करेंगे। कंसिडरेशन मैंने आपको पहले भी कहा कि बेसिकली जब ऑफर करते हैं और एक्सेप्ट होता है तो वो इट बिकम अ प्रॉमिस, राइट। अगर ए कहता है इफ ए वांट टू सेल हिज कार टू बी तो बी उसके बदले में क्या देगा उसको ए को, दिस इज अ कंसिडरेशन। क्या वो उसको उसके बदले में प्राइस देगा, क्या उसके बदले में वो अपनी ओल्ड कार देगा या उसके बदले में कुछ और कुछ करेगा उसके रिगार्डिंग, तो वो कंसिडरेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए ये है कि जब हम लोग सेल्स ऑफ गुड एक्ट करेंगे उसमें जो कंसिडरेशन है वो प्राइस होता है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट जब आप मार्केट में जाते हो, ठीक है जी, कुछ भी परचेज करने के लिए, तो आप ये नहीं कहते कि हाँ भी आप मुझे शुगर 5 kg शुगर दे दो उसके बदले में मेरे घर पे जो 2 kg राइस थे वो आपको दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कंसिडरेशन सिर्फ प्राइस ही है, लेकिन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन कैन बी ऑफ एनी काइंड। वो पैसा भी हो सकता है, वो मनी भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है, या उसके बदले में आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। लेकिन वो फ्री नहीं होना चाहिए। तो लॉ कहता है कि बेसिकली कंसिडरेशन इज द कॉज ऑफ द प्रॉमिस। प्रॉमिस के बदले में आप क्या कर रहे हो, अगर प्रॉमिस के बदले में आपको आपको कुछ नहीं करना तो वो कंसिडरेशन नहीं है। अगर आप उसके बदले में कुछ नहीं पे कर रहे या उसके बदले में आप कुछ नहीं कर रहे तो वो ग्रेचुअस आता है, फ्री, जिसको हम लोग लॉ कहते हैं न्यूडम पैक्टम। इट्स न्यूडम पैक्टम वर्ड यूज करता हूं, तो मैं यहां पर कह रहा हूं कंसिडरेशन इज द कॉज ऑफ द प्रॉमिस एंड इट्स एब्सेंस। अगर वो एब्सेंट हुआ, कंसिडरेशन ना हुआ, तो हम उसे कहते हैं ग्रेचुअस फ्री, जहां हम कहते हैं लॉ में टर्म है हमारी न्यूडम पैक्टम, राइट। तो विदाउट कंसिडरेशन न्यूडम पैक्टम। लॉ कहता है कि कंसिडरेशन क्या है, बेसिकली कंसिडरेशन क्या है, इट इज द प्राइस ऑफ द प्रॉमिस। प्रॉमिस के बदले में क्या आपको करना है, इट इज अ कंसिडरेशन, राइट। इट इज द प्राइस ऑफ द प्रॉमिस। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारी बेरेट लैंग्वेज है सेक्शन 2 सब क्लॉज सबसेक्शन डी कंसिडरेशन से डील कर रही है, उसमें कंसिडरेशन में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लाइक जहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया है कंसिडरेशन वहां पर लिखा व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर के कहने पर प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन कोई एक्ट कर रहा है या एक्ट ना करने के लिए प्रॉमिस कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे कि इट्स अ कंसिडरेशन। यहां पर भी डिफरेंस है हमारे लिए क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन जो है वो बेसिकली वो प्रॉमिस ही या एनी अदर पर्सन दोनों कर सकता है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, लेकिन इंग्लिश लॉ में सिर्फ प्रॉमिस ही एंड द प्रोमिसर दो ही पार्टीज होती हैं, थर्ड पर्सन कंसिडरेशन नहीं पे करेगा। लेकिन यहां पर प्रॉमिसी भी कंसिडरेशन दे सकता है जब प्रॉमिसी के अलावा एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉमिसी भी दे सकता है, किसको देगा, प्रॉमिसर को। सो एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर अगर प्रॉमिसी या एनी अदर पर्सन प्रॉमिस पूरे करने के अलावा उसको कुछ दे रहा है तो इट्स अ कंसिडरेशन। अगर ए वांट टू इफ प्रॉमिसर वांट टू सेल हिज कार टू प्रॉमिसी तो बी प्रॉमिसी कहता है ठीक है मैं आपको 2 lakh rupees दूंगा। प्रॉमिसर कहता है ठीक है मुझे 2,10,000 चाहिए जब भी मेरे मैं ये लूंगा, तो एट द प्रोमिसर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ही आपको वो प्रॉमिस पूरा करना है। ऐसा नहीं होता कि आप घर में चले जाओ और जबरदस्त उसको पैसे दो, नहीं जी 2 lakh rupees लो मैं तो अभी कार लेके जा रहा हूं और मेरी डिजायर नहीं है,
I am not interested to sell my car. So my desire is necessary. And the desire of the promiser, you have to do some act. Like to pay a 2 lakh rupees. Right? So uske act ke according aapko karna padega. So desire of the promiser is required. So yahan pe isme two part mein isko divide kar diya. There has done. So promiser ne kuch kiya, has done or abstained from doing certain things. ज्यादा वो कुछ एक्ट करेगा, प्रॉमिसर कहता है कि आप ये मुझे 2 लाख रुपए दे दो, ठीक है, तो आपके बदले में आपको मैं उसके बदले में आपको कार दे दूंगा। जब अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, आप मेरे के सूट फाइल नहीं करोगे, अगर आपने सूट ना फाइल किया तो आई विल पे 10,000 टू यू, तो 10,000 मैं आपको उसके बदले में दे रहा हूं अब्सटेन फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, तो इट्स अ कंसिडरेशन, ठीक है जी। तो आज हम इसको यही डिस्कस करेंगे, although we have a number of case law, 5 case law आज हम discuss करेंगे, जो importance है हमारे लिए, leading case law हमारे, क्योंकि leading case law ही मैं अपने lecture में discuss करता हूँ, तो please आप ध्यान रखना कि leading case law काफी importance होते हैं, pre point of view, main point of view, ठीक है जी। so यहाँ पे मैं first बात कर रहा हूँ at the desire of the promiser, at the desire of the promiser की अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो an act shall not be a good consideration for a promise unless it is done at the desire of the promiser. अगर promiser की desire नहीं है ना, तो उसके बदले में आप कुछ भी दे दो, वो consideration नहीं माना जाता। इसलिए मैं word use कर रहा हूं, an act shall not be a good consideration for a promise unless it is done at the desire of the promiser. जब तक प्रोमिसर के डिजायर में कुछ नहीं करते तो वो नहीं है, मतलब आपने ऐसा कुछ एक्ट कर दिया जो प्रोमिसर के डिजायर ही नहीं है, तो वो कंसीडरेशन ही नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो वी हैव अ फर्स्ट केस, ये दो केस इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ एंड डोरास्वामी, दीज केस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज नोट कर लेना। पहले हम डिस्कस करें केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, इट इज 1886 ILR 14 कलकत्ता 64 पेज नंबर। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस केस, इस केस में टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट करना था, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे चाहिए थे, उन्होंने सब्सक्राइबर इनवाइट कर दिए कि हाँ भी आप सब्सक्राइबर हमें आप मेंबरशिप लो हमारी और एंजॉय करो फ्री, ठीक है, इसलिए हम लोग यहां पर टाउन हॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और एक वहां पर डिफेंडेंट था जो उसने सब्सक्राइब कर लिया, उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 100 जो है वो पाउंड आपको दूंगा, सब्सक्राइब कर लिया तो फीस थी जो आपको पे करनी आती है, और उसी के प्रॉमिस पे जो सब्सक्राइबर है उन्हीं के प्रॉमिस पे हमने जो है वो टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट करना था। तो वो जो सब्सक्राइबर थे उनको नॉलेज थी कि हमारे ही पैसे से ये टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट करना है इनको, तो वो उन्होंने क्या किया, सब्सक्राइबर ने वो प्रॉमिस कर दिया, अब जो म्यूनसिपैलिटी थी उन्होंने एक फर्दर कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया कि ठीक है हमारे पास तो पैसे आ ही जाएंगे, आप शुरू करो काम शुरू हो गया। यहां पर डिफेंडेंट ने जो 100 रुपीस पाउंड देने थे वो रिफ्यूज कर दिया, मैं तो आपको पे नहीं करूंगा। एंड व्हाट हैपन दिस केस, उन्होंने सूट फाइल कर दिया डिफेंडेंट कि आप ही के प्रॉमिस पे मैंने यहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी, एंड इट इज इन द नॉलेज, आपकी नॉलेज में भी था कि हमें ये जो टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट करना है सिर्फ आप ही के पैसे से वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है। तो लॉ कहता है इस केस में कोर्ट ने अलाउ कर दिया, हालांकि डिफेंडेंट कहता है कि मेरी कंसीडरेशन आपको डायरेक्ट नहीं है, तो लॉ कहता है कि बेसिकली यहां पर कि आपको पहली बार तो आपको नॉलेज थी कि आप ही की सब्सक्रिप्शन यूज करके वहां पर कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट होनी है, ठीक है जी। तो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ही आप ही के प्रोमिस पे उन्होंने वो कंसेशन हॉल शुरू किया था, इसलिए यू आर लाइबल टू पे 100 रुपीज टू द प्लेंटिफ, क्योंकि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर आपने वो प्रॉमिस किया कि मैं आपको 100 रुपीज पे करूंगा। आप ही के प्रॉमिस पे फेथ करके उन्होंने कंसेशन स्टार्ट कर दी, ये पहला पॉइंट था हमारा जो केदारनाथ एंड गौरी मोहम्मद में हुआ था, और यहां पर कोर्ट ने अलाउ कर दिया था प्लेंटिफ कि आप रिसीव करोगे 100 रुपीज एंड द डिफेंडेंट इज बाउंड टू पे यू 100 रुपीज, ठीक है जी, पॉइंट डॉलर। एंड द सेकंड केस इज डोरास्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचला अय्यर, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट केस, इट इज AIR 1936 मद्रास हाईकोर्ट 135 पेज नंबर। अब इस केस में क्या हुआ कि टेंपल जो था उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन था वो,
कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट थी, चल रही थी, लेकिन व्हाट हैपेंड इन दिस केस, पैसों की कमी आ गई, पैसा की कमी आ गई, तो उन्होंने क्या किया कि हम भी जैसे हम लोग कंपनी शेयर्स लॉन्च करते हैं कि हम भी शेयर परचेज करो, हमें पैसे दो, हम आपको, ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने क्या किया कि टेंपल की कंस्ट्रक्शन में पैसों की कमी हो गई, तो इन्होंने सब्सक्राइबर्स कर दिए कि हम भी आप सब्सक्राइब करो, हमारी मेंबरशिप लो, ठीक है जी। और वहां पर मेंबरशिप जो था, डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 125 रुपीज दूंगा, सिंस 1936 की बात कर रहा हूं मैं, तो तब 136 मींस 125 रुपीज तो बहुत ज्यादा थे हमारे लिए, तो उन्होंने प्रॉमिस किया डिफेंडेंट कि मैं आपको 125 रुपीज दूंगा। लॉ कहता है कि अगर डिफेंडेंट यहां पर रिफ्यूज कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा, तो प्लेंटिफ कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट एंड रिकवर द 125 रुपीज, ही कैन नॉट रिकवर। क्यों नहीं रिकवर कर सकता? लॉ कहता है यहां पर केदारनाथ और डोरास्वामी के केसेस में डिफरेंस है। पहला केस केदारनाथ, क्योंकि एज अ डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ही उन्होंने टेंपल स्टार्ट किया था, अगर वो पैसा ही ना आता, आप सब्सक्राइब ही ना करते, तो वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर नहीं थी, वहां पर जो टाउन हॉल था वो कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर रहा था उन्होंने, आपने प्रॉमिस किया इसलिए वहां पर टाउन हॉल जो उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, तो एट योर डिजायर ही स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट द टाउन हॉल। ऑन द अदर हैंड इन डोरास्वामी केस, जो टेम्पल था वो ऑलरेडी अंडरग्राउंड था, उसकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही थी, वहां पर पैसे की कमी आ गई, जिसलिए उन्होंने दोबारा सब्सक्राइबर्स इन्वाइट किए। तो लॉ कहता है यहां पे एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर वो शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी शुरू था, इसलिए यू कैन नॉट रिकवर 125 रुपीज फ्रॉम द डिफेंडेंट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द केदारनाथ एंड डोरास्वामी। वहां पर जो टाउन हॉल की कंस्ट्रक्शन थी आपके कहने पर स्टार्ट की गई थी, अगर आप ना प्रॉमिस करते तो वो स्टार्ट ही नहीं होती, आपने प्रॉमिस किया कि हम लोग पे करेंगे, एट योर डिजायर दे स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट द टाउन हॉल, बट इन दिस केस इन डोरास्वामी केस टेम्पल ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन अंडरग्राउंड था, पैसे की कमी आई, कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो गई थी, इसलिए वहां पर आपने प्रॉमिस किया 125 रुपीज पे लेकर। तो लॉ कहता है यहां पर प्रॉमिस ऑलरेडी जो है वो कॉन्टिन्यू चल रहा था, इसलिए यहां पर कोई प्रॉमिस नहीं है, तो इसलिए यहां पर डिफेंड जो है उससे आप 125 रुपीज रिकवर नहीं कर सकते। देन इन अनदर केस, अब्दुल अजीज वर्सेस मसूम अली, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट केस, AIR 1974 अलाहाबाद हाई कोर्ट 22 पेज नंबर। यहां पर सॉरी यहां पर जो डिफेंडेंट था उसने प्रॉमिस किया कि 500 रुपीज आपको एज ए फंड दूंगा ताकि आप मॉस्क की कंस्ट्रक्शन कर सको, मुस्लिम पर्सन के रिलीजन को लिए उन्होंने 500 डोनेट करने की कि मैं आपको फंड दूंगा अगर आप मॉस्क कंस्ट्रक्ट करोगे। ना तो उन्होंने मॉस्क कंस्ट्रक्ट की, ना इन्होंने पैसे दिए, क्या प्लेंटिव सूट फाइल कर सकते या 500 रुपीज दो? नहीं कर सकता। तो लॉ ने कहा दैट द डिफेंडेंट प्रॉमिस रुपीज 500 टू फंड स्टार्टेड टू रीबिल्ड आवर मॉस्क बट नथिंग हैज बीन डन टू कैरी आउट द रिपेयर्स, ना तो उसकी रिपेयर हुई ना वो कंस्ट्रक्शन किया, तो जो सब्सक्राइबर थे जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं 500 रुपीज दूंगा वर दस हैड नॉट लाइबल टू पे द 500 रुपीज, ठीक है जी। तो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसरी आपको ये इंपॉर्टेंट है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसरी आप एक्ट करोगे, ठीक है जी। देन द सेकंड बिट, प्रोमिसी एंड एनी अदर पर्सन, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर जहां तो प्रोमिसी एक्ट करेगा जहां एनी अदर पर्सन भी दे सकता है कंसीडरेशन। लॉ कहता है कि इंग्लिश लॉ में यहां पर डिफरेंस है, इंग्लिश लॉ में एनी अदर पर्सन ही है, सिर्फ प्रोमिसी एंड प्रोमिसर दोनों ही होंगे, थर्ड पर्सन जो स्ट्रेंजर पर्सन है दे कैन नॉट फाइल अ सूट, बट लॉ कहता है कंसीडरेशन में प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन एक्ट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यहां पे बोल लिखा गया, तो ये भी आपके लिए फर्दर इंपॉर्टेंट है। सो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, सो अ प्रोमिस इज इनफोर्सेबल, हम लोग प्रोमिस को इनफोर्स कर सकते हैं इफ देयर इज सम कंसीडरेशन। तो मैंने आपको क्या कहा पहले आपके लेक्चर में, आपको बताया था ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, अगर उस ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई तो वो प्रोमिस बन गया, प्रोमिस बन गया, प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन ऐड हो गई तो वो एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट में अगर वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये आपके लिए फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं। तो प्रॉमिस यहां पर है, प्रॉमिस लाइक एक्सेप्टेंस, जब ऑफर है उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो प्रॉमिस बनता है, तो प्रॉमिस इनफोर्सेबल तभी होगा जब वहां पर कंसीडरेशन होगी, ठीक है जी।
अब ये इमटेरियल है इंडियन लॉ में कि वो कंसिडरेशन कहां से मूव हो रही है, क्या वो प्रॉमिसी दे रहा है या एनी अदर पर्सन दे रहा है, इट हार्डली मैटर्स, इट इज टोटली इरेलेवेंट इन इंग्लिश लॉ, बट इट इज रिलेवेंट इन इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ में से प्रॉमिसी ही कंसिडरेशन पे आउट करेगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन लॉ में, तो इंडियन लॉ क्या कह रहा है, प्रॉमिसी या एनी अदर पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन, कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन भी इसको नाम दिया गया है, ठीक है जी। दूसरी बात, इंग्लिश लॉ में हम लोग बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन मीन्स कि ओनली द पार्टीज आर बाउंड टू पे आउट द कंसिडरेशन, इट इज ओनली द प्रोमिसी एंड ओनली द प्रोमिसी हु हैज टू पे द कंसिडरेशन, बट इन इंग्लिश लॉ सिर्फ प्रिविटी है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन मीन्स पार्टी के अलावा कोई कंसिडरेशन नहीं पे करेगा। तो ये रूल है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन हमारे इंडिया लॉ में फॉलो नहीं होता, इसलिए इंडिया लॉ में वहां पे वही वर्ड यूज किया है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन कैन मूव द कंसिडरेशन। तो यहां पर प्रोमिसी या एट एनी अदर पर्सन भी कंसिडरेशन पे आउट कर सकता है, लेकिन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर ही पे करेगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वी हैव अ केस वेंकता चिन्नया राव वर्सेस वेंकता रमैया गारू का केस है हमारे लिए, काफी इंपॉर्टेंट केस है ये, प्लीज आप नोट डाउन करना। व्हाट हैपेंड दिस केस, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर सूट फाइल कर दिया, ठीक है जी। अब यहां पर What happened in this case, जो defendant थी उसकी जो mother थी, mother ने एक estate जो है वो अपनी daughter को gift कर दिया और उसको कहा कि आप मेरे brother को means plaintiff को आप हर साल 653 rupees आप उसको pay करते रहना, 653 आप उसको pay करते रहना। तो ये promise हुआ। तो in this case ए जो थी एंड ओल्ड लेडी मींस द मदर, ओल्ड लेडी ग्रांटेड एन एस्टेट टू हर डॉटर डिफेंडेंट जो थी विद द डायरेक्शन दैट, डायरेक्शन क्या थी कि जो डॉटर है शुड पे एन एनुटी ऑफ रुपीज 653 रुपीज टू एज ब्रदर। तो यहां पे जो थी ए ब्रदर थी उन्होंने अपने डॉटर को एक स्टेट गिफ्ट कर दी और उसको डायरेक्शन दी कि आप 653 रुपीज जो है हर साल मेरे ब्रदर को आप पे करोगे। डिफेंडेंट ने ब्रदर को कहा, ठीक है मींस आपने मामले को कहा कि मैं आपको पे करने के लिए बाउंड हूं, राइट। तो ये था। बाद में क्या हुआ, व्हाट हैपन, जब मदर ने उसको गिफ्ट कर दिया लेटर ऑन, एक साल तो वो दो साल देती रही, पेमेंट करती रही 653 रुपीज। बाद में जो डॉटर थी उसने रिफ्यूज कर दिया अपने मामले को पे करने के लिए। बेसिकली इट इज अ मामा ना, वो तो मटरनल अंकल है जिसको पे आउट करना 653 रुपीज, उसने अपने मटरनल एंकल को पे करना बंद कर दिया एंड दिस पर्सन मींस उसने सूट फाइल कर दिया, ठीक है जी, सूट फाइल कर दिया डिफेंडेंट पे और कहा कि बेसिकली मैं बेनिफिशियरी यहां पे, आई एम द बेनिफिशियरी इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, डिफेंडर और उसकी मदर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें बेनिफिशियरी मैं हूं, ठीक है जी। तो लॉ कह रहा है यहां पर जब ये इन्होंने सूट फाइल कर दिया तो डिफेंडेंट ने क्या कंटेंट किया, डिफेंडेंट ने डिफेंस लिया that since plaintiff themselves had furnished no consideration, इसने क्या कहा कि plaintiff ने मुझे consideration तो payout नहीं किया, अब plaintiff से consideration तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है यहां पर जब मैं इसको 653 पीस इसको दे रही हूं तो इसके अलावा मदर मुझे गिफ्ट कर रही है लेकिन यहां पर plaintiff ने मुझे कुछ नहीं दिया। लॉ कहता है कि प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन कोई भी दे सकता है, तो यहां पर प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन कौन हुआ, उसकी सिस्टर। अगर सिस्टर ने एस्टेट गिफ्ट कर दी तो लॉ कहता है कि इट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। तो यहां पर जो थी डिफेंडेंट था उसको बाउंड किया गया कि आप 653 रुपीज उसको प्लेंटिफ को पे आउट करो, ठीक है जी। तो ये आपके लिए फर्दर इंपॉर्टेंट है। देन वी वन अदर थिंग्स, अब थर्ड पॉइंट हमारे क्या हैज डन अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। अब पूरा जो है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं, प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस में क्या कि किसी पार्टी ने कुछ एक्ट करना है, द
तभी हम लोग उसको कुछ करेंगे, उसको उसके बदले में कुछ देंगे। या अब्सट्रेन करना कि आप मेरे पे सूट फाइल मत करना, अब्सट्रेन कर दिया मैंने, प्लीज आप सूट फाइल मत करना, मैं आपको 10,000 दूंगा। तो डेफिनेटली अगर वो सूट फाइल नहीं कर दिया, यू हैव टू पे द कंसीडरेशन, 10,000 रुपए का उसको पे करने पड़ेंगे। आप मेरे लिए ये व्हीकल पंजाब से दिल्ली छोड़ के आओ, उसके बदले में मैं आपको 5,000 रुपीज पे आउट करूंगा एज सर्विस, इट्स अ प्रॉमिस। तो वो 5,000 क्या कंसीडरेशन है, आपको पे आउट करना पड़ेगा। तो एक्ट जो है, एक्ट है, तो हैज डन एंड अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास फर्दर पॉइंट्स है, हमारे पास्ट कंसीडरेशन, एग्जीक्यूटिव कंसीडरेशन एंड एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कंसीडरेशन। पास्ट कंसीडरेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट। पास्ट कंसीडरेशन में क्या होता है, एन एक्ट हैज बीन डन बिफोर एनी प्रोमिस इज मेड। एक्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, प्रॉमिस अब आपने किया, ठीक है जी, एक्ट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन प्रॉमिस अपने आपने किया। लाइक सपोज किसी पर्सन ने कोई चीज, पास्ट कंसीडरेशन की बात कर रहा हूं, आपका डॉग जो था वो गुम हो गया, आपके सर्वेंट ने डॉग लेके आया आपके घर पे और आपने प्रॉमिस कर दिया ठीक है मैं आपको पे करूं, पे आउट करूंगा, तो पास्ट कंसीडरेशन है, एक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो आप प्रॉमिस कर रहे हो मैं उसको पे आउट करूंगा, तो ये पास्ट कंसीडरेशन है। तो यहां पर एक्ट ऑलरेडी हो चुका है, आपने फर्दर प्रॉमिस किया, तो उसको हम लोग पास्ट कंसीडरेशन का नाम देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर इंडियन लॉ जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 है, वहां पर वर्ड लिखा है बेसिकली एडिक्वेटली कवर्स अ पास्ट वॉलंटरली सर्विस। जो आपने वॉलंटरली सर्विस दी है उसके बदले में आप कंसीडरेशन भी पे कर सकते हो। कोई पर्सन निस्वार्थ मेरी सेवा करता रहा, मुझे पढ़ाता रहा, जब मैं 18 प्लस हो गया, मुझे जॉब मिल गई, तो मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैंने जो आपने सर्विस मुझे दी थी मैं आपको पे आउट करूंगा, तो इट्स अ पास्ट कंसीडरेशन, ठीक है जी। तो ये इंडियन लॉ में अलाउ कर रखा है हमारे सेक्शन 25 की सबसेक्शन 2 क्लॉज में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सपोज ए जो था वो, उसको बी का पर्स मिल गया, वो बी को वापस करने गया और बी ने प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं आपको 500 रुपीज दूंगा, दिस इज अ पास्ट कंसीडरेशन, क्योंकि एक्ट जो ऑलरेडी हो चुका है। अब ए ने कोई कंसीडरेशन नहीं देना, यहां पर बी तो प्रॉमिस कर रहा है मैं आपको दूंगा, ए ने यहां पर कुछ कंसीडरेशन नहीं देना, तो एक्ट ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं पास्ट कंसीडरेशन। देन वी हैव अनदर एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन। यहां पर जो कंसीडरेशन है वो साइमल्टेनियसली दी जाती है। आप मार्केट में जाते हो कुछ जो परचेज करने के लिए, तो आप जैसे उसको परचेज करते हो ऑन द स्पॉट आप उसको पे भी करते हो, इट इज साइमल्टेनियसली एक्ट। जैसे आपको वो सेल कर रहा है सेमेंटली आप उसको पे भी कर रहे हो, कंसीडरेशन ऑन द स्पॉट आप कंसीडरेशन यहां पर पे आउट हो रहा है, जिसको जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा एग्जीक्यूटिव कंसीडरेशन है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ए मेक एन ऑफर ऑफ रिवार्ड 100 टू एनीवन हु फाइंड्स आउट हिज डॉग, व्हेन बी फाइंड्स आउट द लॉस्ट डॉग। यहां पर ए ने प्रॉमिस करी जो भी मेरा डॉग ढूंढ के लेके आएगा उसको मैं 100 रुपीज दूंगा। अब वो लेके आएगा तभी मैं दूंगा ना, तो ये साइमल्टेनियस नहीं है। आप प्रॉमिस पूरा कर दो मैं आपको पे आउट कर दूंगा, तो दिस इज साइमल्टेनियस कंसीडरेशन। देन वी अनदर कंसीडरेशन दैट इज एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन। एक्ट भी करना है, ठीक है जी। ए एग्री टू सेल एंड बी एग्री टू परचेज दैट क्वालिटी ऑफ गुड्स। ए ने प्रॉमिस किया कि मैं ये सेल करूंगा, बी कहते मैं इसको परचेज करूंगा। अब वो कब करूंगा, जब वो पे आउट करेगा, ठीक है, इन फ्यूचर या जब भी, तो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो सेल तभी करेगा जब आप विलिंग हो परचेज करने के लिए, अदरवाइज नहीं करेंगे। दिस इज एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ज्यादातर मर्चेंटाइल कॉन्ट्रैक्ट्स में उसी में ज्यादातर होते हैं, तो प्लीज उसको ध्यान में देखना। देन वी हैव अदर थिंग इज कंसीडरेशन मस्ट बी रियल। कंसीडरेशन रियल होना चाहिए। अब ये मत कहना कि हाँ भाई अगर आप मेरे लिए ये करोगे तो मैं आपके लिए चांद ताड़े तोड़ के लेके आऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब गरीब बंदा अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि ठीक है जी आप मेरे लिए ये कर दो तो मैं आपको बिल कलेंडर से उसके साथ आपको मीटिंग फिक्स कर दूंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लॉ कहता है जो कंसीडरेशन है वो इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इट मस्ट नॉट बी अनसर्टेन, इट मस्ट नॉट बी इल्यूजरी। तो ऐसी कंसीडरेशन नहीं होनी चाहिए, और कंसीडरेशन क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। अब कंसीडरेशन कितनी होनी चाहिए, लॉ कहते हैं कंसीडरेशन होनी चाहिए
ये एडिक्वेट है ये इनएडिक्वेट है टोटली इमटेरियल। अगर मैंने अपना हॉर्स बी को सेल करना है तो मेरी मर्जी है ना, वो उसकी जो कीमत है मेरे हॉर्स की वो 10 लाख रुपए है, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड को 5 रुपए में सेल कर दिया। अब कंसिडरेशन तो वहां पे है ना, 5 रुपीज इज कंसिडरेशन। अब कहां 10 लाख, कहां 5 रुपए। लॉ कहता है कंसिडरेशन हमें चाहिए, एडिक्वेट है इनएडिक्वेट इज डजंट मैटर, ठीक है जी। तो ये टोटली इमटेरियल मानिए। लॉ से कहता है कि वहां पर एग्रीमेंट जो है बेसिकली वहां पर जो कंसिडरेशन है वो होनी चाहिए, वहां पर एडिक्वेट है इनएडिक्वेट है इसका क्वेश्चन राइज नहीं होता, ठीक है जी। देन वी वन अदर थिंग कि जो हमारे वर्ड यूज किया हमने अब्सिस्टेंस रोकना, मैंने उसको आपको पहले मैंने बता दिया कि अब्सिस्टेंस मीन्स किसी काम को ना करना। लाइक मैंने आपको कह दिया कि आप मेरे के सूट फाइल मत करो, मैं आपको 10,000 रुपीज दे दूंगा। तो डेफिनेटली अगर मेरे आप मेरे के अगर सूट फाइल नहीं करोगे मैं तभी दूंगा ना। तो किसी चीज को रोकने के लिए आप कंसिडरेशन दे रहे हो, दिस इज अब्सिस्टेंस, ठीक है जी। तो प्लीज आप उसको ध्यान में देना। अब लॉ कहता है, जनरल रूल क्या है कि विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। वो तो प्रॉमिस ही है ना, कला ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इट मेक्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स एन एग्रीमेंट, एंड इफ देयर इज नो कंसिडरेशन तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। लॉ कहता है अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो यहां पर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, ठीक है जी। तो जनरल रूल हमारा ये है कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ टू काइंड्स, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और इन द फॉर्म ऑफ डीड, जिसको हम लोग रिटर्न में बोलते हैं। डीड प्रिपेयर कर दी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रिटर्न में कर लिया हमने, ठीक है जी। तो टू टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए हमारे, कॉन्ट्रैक्ट सिंपल भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील मींस लिखकर हमने उसको प्रॉपर तरीके से रिटर्न में कर दिया, एक वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ कहता है कि The consideration is quite only as regard to simple contract. Law, English law कहता है कि अगर आपका oral contract है, simple contract है, written में नहीं हुआ, तो वहाँ पर consideration is required. लेकिन अगर वो written में है, तो consideration required ही नहीं है, ये English law कह रहा है, ठीक है जी। लेकिन ये English law हमारे इंडिया में enforceable नहीं है। तो law कहता है, Indian law क्या कहता है, over, that does not recognize such an exception. Law कहता है, हमारे यहाँ पर कोई exception नहीं है, general rule क्या है, consideration हमेशा होनी चाहिए, but ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हैं लाइक सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा गया है कि भाई कंसीडरेशन अगर ना भी हुआ तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। वी हैव सम एक्सेप्शंस इन आवर इंडियन लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर सेक्शन 25, वहां पर एक्सेप्शंस हैं कि अगर कंसीडरेशन ना भी हुआ तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट क्या वो वैलिड है। अदरवाइज अगर आपका केस एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा तो इट मींस कंसीडरेशन इज रिक्वायर्ड एंड विदाउट कंसीडरेशन देयर इज नो एग्रीमेंट, enforceability है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। लॉ कहता है हमारे एक्सेप्शन है कौन सी, वो व्हाट आर द एक्सेप्शंस जहां पर कंसीडरेशन की जरूरत ही नहीं है। द फर्स्ट थिंग लव एंड अफेक्शन, सेकंड थिंग इज पास्ट कंसीडरेशन, थर्ड वन इज टाइम बार डेट। लेट्स डू विद फर्स्ट लव एंड अफेक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, इन राइटिंग। फर्स्ट हमारा इंग्रीडियंट क्या है कि वो रिटन में होना चाहिए, दूसरा इंग्रीडियंट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, थर्ड क्या है कि वो जो आप रिटर्न में कर रहे हो जब रजिस्टर कर रहे हो उसमें आप लव एंड अफेक्शन के थ्रू आप किसी को कुछ दे रहे हो। अपने फादर ने अपनी डॉटर को गिफ्ट कर दिया, एक पूरा अपना हाउस कलकत्ता का अपनी डॉटर को गिफ्ट कर दिया लव एंड अफेक्शन के कारण, और वो रिटर्न में था और पूरी रजिस्टर्ड थी रिटर्न डीड। लॉ कहता है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि यहां पर कंसीडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये एक्सेप्शन है हमारी, डॉटर ने अपने फादर के लिए कुछ नहीं करना यहां पर, इट इज अ गिफ्ट, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट है। वहां पर वाइफ जो डॉटर है उसने अपने फादर के लिए कुछ नहीं करना, वहां पर कोई कंसीडरेशन नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ द डॉटर, कोई कंसीडरेशन नहीं है। लॉ कहता है ये फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारी लव एंड अफेक्शन की, लेकिन यहां पर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वो रिटर्न में होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और वो लव एंड अफेक्शन के थ्रू होना चाहिए, तभी वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं। अगर सिर्फ लव एंड अफेक्शन है रिटर्न में किया है लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा, सॉरी। सेकंड थिंग पास्ट कंसीडरेशन, पास्ट कंसीडरेशन मैंने आपको पहले ही बोल दिया, कंसीडरेशन जो हमारा पहले पास्ट कंसीडरेशन है, अगर कोई पर्सन, ठीक है जी, मैंने आपको बोलिए मेरा जो डॉग वो ढूंढ के लेके आया, कोई जब वो लेके आ ही गया है तो मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया ठीक है आप ढूंढ के लेके आए तो मैं डेफिनेटली मैं आपको 500 रुपीज पे करूंगा, उससे मैंने पहले ऑफर ही नहीं किया, अब ऑफर कर रहा हूं मैं आपको पे करूंगा 500 रुपीज,
क्योंकि आपने एक्ट कर दिया तो ये दिस अ पास्ट कंसेशन। ए बी के बी का पर्स ढूंढ के लेके आया और उसने बी को वापस कर दिया। अब बी ने तो कोई प्रॉमिस नहीं किया था पहले जो ढूंढ के लेके आया कि मैं उसको ये दूंगा वो दूंगा। अब ए को ढूंढ के लेके उसने बी को हैंड ओवर कर दिया। अब बी ने अब प्रॉमिस किया कि आप मेरा पर्स ढूंढ के लेके आ गए हो इसलिए मैं आपको 500 रुपीस दूंगा। दिस इज अ कंसीडरेशन, वो क्या है पास्ट कंसीडरेशन, क्योंकि एक्ट ऑलरेडी हो चुका है, उसने कोई और कोई एक्ट नहीं करना, एक्ट हैज ऑलरेडी बीन डन एंड नाउ यू प्रॉमिस टू पे सम कंसीडरेशन टू हिम, इसलिए वो क्या पास्ट कंसीडरेशन। एंड एट द एंड देयर इज अ टाइम बार डेट्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लिमिटेशन एक्ट क्या कह रहा है, 3 years, विदिन 3 years के आपको सूट फाइल करना है अगर आप चाहते हो कि डेट्स की आप रिकवरी करो। अगर ए ने बी को 1,00,000 रुपए दिए हैं देन ए हैज टू फाइल द केस फॉर द रिकवरी ऑफ डेट 10,00,000 रुपीज विदिन 3 years। उसको 3 साल के अंदर उसको अपने 1,00,000 रुपए रिकवर करने के लिए सूट फाइल करना पड़ेगा। अगर उसने सूट फाइल नहीं किया तो लिमिटेशन बार्ड हो गया सूट। नाउ ए इज हेल्पलेस, ही कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट बी एंड रिकवर द 10,00,000 रुपीज लीगली, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। सॉरी, तो लीगली ही कैन इज हेल्पलेस, वो कुछ नहीं कर सकता। तो लॉ कहता है कि अगर यहां पर टाइम बार डेट्स है अब इंस्पाइट ऑफ डेट अगर उसने कोई प्रॉमिस कर दे ठीक है मैं आपका जो डेट्स है वो रिकवर नहीं आप कर सकते लेकिन मैं फिर भी प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 1,00,000 रुपए प्लस 2% इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट जनवरी पे पे आउट कर दूंगा, वो रिटर्न नहीं कर दिया सॉरी वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसमें कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो लॉ कहता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है हमारे, यहां पर 3 points यहां पर कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है। तो ये थर्ड वन था, इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग, यहां पर भी रिटर्न में होना चाहिए। अगर ए ने बी से 1,00,000 रुपए लेने हैं, टाइम बार्ड हो गया, आप रिकवर नहीं कर सकते, बी ने रिटर्न में दे दिया ए को कि मैं आपको 1,00,000 रुपए प्लस 2% इंटरेस्ट भी आपको दूंगा लेकिन 2 साल बाद दूंगा, तो इट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आप दोबारा से सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसीडरेशन, ठीक है जी। काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, तो कंसीडरेशन का आज इतना ही करेंगे हम लोग। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होगा, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट केस जो हमने डिस्कस किए हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड प्रेस द बेल बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। इनकेस ऑफ एनी डाउट ऑफ इनकेस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज आप कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।